व्यक्ति ने अपना एक तरह से खुशी जाहिर करी है और जो पुलिस का, प्रशासन का, पशुपालन विभाग का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का। विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। आज हमारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का समापन समारोह रहा और ये जो कई दिन से अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं पुष्कर मेले में आयोजित की जा रही थी वो बहुत बखूबी तरीके से किया गया। किसी भी तरह की कोई शिकायत या परेशानी लोगों को नहीं हुई और आज समापन में हर व्यक्ति ने अपना एक तरह से खुशी जाहिर करी है और जो पुलिस का, प्रशासन का, पशुपालन विभाग का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम का, हमारी नगर पालिका का, हर किसी का, सभी ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। हमारे लिए इस बार पुष्कर मेला बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारा इलेक्शन था जो कि एक तरह से लोकतंत्र का महापर्व है और ये पुष्कर मेला हमारे पुष्कर का महापर्व था, तो इन दोनों महापर्वों का जो संयोग रहा वो अपने आप में अविस्मरणीय रहा, बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा और मैं सभी को जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दी। आज जो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला है उसका समापन हुआ है, मैं समस्त पुष्कर निवासियों को, रोहित संघ को और जो हमारे विभिन्न एजेंसियाँ जो पुष्कर मेले को संपन्न करवाने में लगी हुई थी उनके योगदान के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चुनाव के दौरान बहुत ही पीसफुल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उन्होंने पुष्कर पशु मेले का आयोजन किया है और सभी एजेंसियों ने और विशेष रूप से रोहित संघ और पुष्कर निवासियों ने जो पुलिस प्रशासन का सहयोग किया है उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी श्रद्धालु पुष्कर मेले में आए उन्होंने भी व्यवस्था बनाए रखने में हमारा योगदान दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुष्कर मेले में मैं यही बारे में यही कहना चाहूँगा, पशुपालन और पर्यटन का बेमिसाल उदाहरण है और इसमें हम देखते हैं कि जो पशुपालक है वो यहाँ पर प्रगतिशील किसान, जो पशुपालक है वो अपने यहाँ पर नई नस्लों का, उनके पोषण का और रख रखाव का के बारे में आपस में इंटरेक्ट करके, आपस में चर्चा करके नई से नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और इसके लिए विभाग भी उनको जो सुविधाएं और जो जानकारियाँ होती हैं वो उपलब्ध कराता रहता है। और मैं इस बारे में यही कहूँगा, अच्छी बार डॉक्टर नवीन परियार जॉइंट डायरेक्टर अजमेर की तरफ से रिकॉर्ड पशुपालक यहाँ पर आए, जिससे संदेश जाता है कि पशु मेले को के लिए यदि हम प्रयास करें तो इनको जिंदा रखा जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे मीडिया की वजह से कम जो परसेंटेज है, जो पशुपालकों का आने का क्रम है वो कम होता जा रहा था और अब की बार ये मेला रिकॉर्ड जनसंख्या में यहाँ पशु आ रहे हैं। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा, अतिथि निदेशक पशुपालन विभाग।